हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आप सभी के सेकंड ईयर के पेमेंट के बारे में। कई शिक्षकों का कमेंट आया है कि सर क्या डेट्स आगे बढ़ेंगी या नहीं, इसके बारे में आप हमें बताएं। और कई शिक्षकों को पेमेंट में काफ़ी परेशानी हो रही है, रिफंड की भी काफ़ी प्रॉब्लम है और कई शिक्षकों ने दो बार तीन बार पेमेंट कर दिया है, तो इन सभी का क्या होगा इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर क्या डेट्स आगे बढ़ेंगे या नहीं, तो मैं आप सभी को बता दूँ अभी भी ऐसे लाखों शिक्षक हैं जिन्होंने अपना पेमेंट नहीं किया है। कुछ ऐसे रीजंस हैं हमारे भारत में जहाँ पे NIOS की सर्वर ओपन ही नहीं हो रही है, और कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे टीचर लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं, बट उनका सर्वर बार बार फेल हो जा रहा है। तो इन सभी बातों को अगर हम देखते हैं तो ऐसा होगा कि कुछ डेट्स आगे बढ़ेंगे, बट अभी तक इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है। तो अभी भी लाखों शिक्षक हैं जिनका पेमेंट नहीं हुआ है, तो इन सभी बातों को अगर आप देखें तो डेट्स आगे डेफिनेटली बढ़ेंगी। बट फिर भी मैं आप सभी से कहूँगा कि अभी भी आपके पास एक दिन का समय है, आप पेमेंट करने की कोशिश करें, पेमेंट हो जाएगा। दूसरी जो क्वेश्चन आप सभी ने पूछी है कि सर मेरा दो बार पेमेंट हो गया है तो क्या पैसा वापस आएगा, तो जिस मोड से आपने पेमेंट किया है उसी मोड से आपका पैसा वापस आ जाएगा। सरकार आपको रिफंड कर देगी आपकी फ़ीस, बट इसमें कुछ समय लगेगा, 2 से 3 महीने का समय इसमें लग सकता है। तीसरा जो प्रश्न आप सभी ने पूछा है कि सर क्या सेकेंड सेमेस्टर का पेमेंट हम पहले करें या नहीं, या फिर हम लेट से करेंगे। सेकेंड सेमेस्टर की जो पेमेंट है 500 रुपये की, आप उसे कर सकते हैं क्योंकि वो भी सर्वर काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। 30 जुलाई तक डेट्स हैं तो आप सेकेंड सेमेस्टर की पेमेंट भी कर सकते हैं। सेकेंड सेमेस्टर की एग्जामिनेशन सेप्टेम्बर में होगी। तो आई होप आप सभी को अच्छा लगा हो ये वीडियो, आपके सारे डाउट्स मैंने क्लियर किए हों। और एक और क्वेश्चन आप सभी ने पूछा है कि सर 15 जुलाई तक क्या डेट्स एक्सटेंड होंगे कि नहीं, क्योंकि आप सभी ने कहा है कि एक नोटिस है जो वायरल की जा रही है और उसमें लिखा गया है कि 15 जुलाई तक आपके डेट्स आगे बढ़ेंगे। मैंने उस नोटिस को देखा है, वो नोटिस आपके DLED की नहीं है, वो नोटिस आपके सीनियर सेकेंडरी की है। NIOS की सीनियर सेकेंडरी की जो कोर्सेज होते हैं उसकी वो नोटिस है, तो उस नोटिस पे ध्यान ना दें, वो आपके DLED की नोटिस नहीं है। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। वीडियो को लाइक करेंगे, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को करेंगे सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद, जय हिंद।